किसानों की झड़ी लगा दी। आम बजट में कृषि क्षेत्र के लिए हुए 10 अहम ऐलान पर गौर कीजिए। किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपए की MSP सीधे ट्रांसफर। गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। तिलहन के आयात की निर्भरता को कम किया जाएगा। किसानों को डिजिटल करने के प्रयास को तेज किया जाएगा। निजी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए PPP मॉडल पर काम किया जाएगा। नाबार्ड के जरिए खेती के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 44,000 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना शुरू होगी, जिससे 9 लाख किसानों को लाभ होगा। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा। एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग विल बी प्रमोटेड थ्रू आउट द कंट्री विद अ फोकस ऑन फार्मर्स लैंड्स इन 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर्स अलोंग द रिवर गंगा एट द फर्स्ट स्टेज। किसानों के लिए ये बजट किस हद तक कारगर होगा, ये PM मोदी ने भी बताया। किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार ने बजट में 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित करने की बात कही है। सरकार मोटे अनाज उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग पर जोर देगी। इसके तहत 1,000 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की उम्मीद है। इससे 1 करोड़ से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यह भी कहा कि रेलवे छोटे किसानों के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट आवर सेकंड प्रायोरिटी। एग्रीकल्चर, द प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट इन रबी 21-22 and the estimated procurement of paddy in kharif 21-22 will cover 1208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. लेकिन बजट में PM किसान निधि की राशि में इजाफे को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। न ही कोई ऐसा क्रांतिकारी ऐलान जिससे किसानों की आय में इजाफा होता हो। ऐसे में किसान नेता क्या सोचते हैं, देखिए। नहीं, किस चीज में ट्रांसफर करेंगे? डायरेक्ट कर्जे में करेंगे, फसल के रेट में करेंगे, कहीं में करेंगे ट्रांसफर, वो उसी में ही ऑर्गेनिक पे जितना देंगे वो भी उसी में दिखाएंगे। जो सोलर्स पे इंडस्ट्रीज को देने की उन्होंने बात करी वो भी उसी में दिखाएंगे, वो कर्जा उसमें शायद दिखाने की कोशिश करेंगे, वो इरिगेशन में जो 4 नदियों का जोड़ने का प्रोग्राम है वो भी उसी में दिखाएंगे। हमने तो कहा कि आप MSP पे गारंटी कानून बना दो, वो तो बने नहीं रहे। ये कह रहे कि हम डिजिटल उससे किसान के उसको जोड़ेंगे, हम क्या के जोड़ो? हम तो पिछले 7 साल से कह रहे हैं, जब से प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट आया डिजिटल इंडिया कैंपेन वाला, हम तो कहा कि जोड़ो उसको। जो किसान एक एक साल में अपना भुगतान लेता है गन्ने का या दूसरी फसलों का, उसको जोड़ दो आप उससे। भाई हम 14 दिन में गन्ना एक्ट में ये है कि 14 दिन में भुगतान होगा, क्यों होगा 14 दिन में भुगतान? डिजिटल इंडिया आ गया ना, तो उससे जोड़ दो हमें को भी। सरकार कह रही है कि बजट में किसानों को बहुत कुछ दिया गया है, और किसान नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। भाई कहाँ दे रहे हैं वो भी तो बता दो, हमारे फसल की कीमत तो दे नहीं रहे, वैसे दे देंगे, ये कहां से दे रहे? किसान ना तो इस बजट से बहुत ज्यादा खुश है और ना ही बहुत ज्यादा नाराज। शायद उन्होंने बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद रखी ही नहीं थी, इसीलिए नाराजगी भी वैसी ही है। अब सवाल ये है कि इस चुनाव में ये बजट किसानों का रुख किस ओर करेगा। मौसमी सिंह, ऐश्वर्या पालीवाल और कुमार कुणाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो चलिए अब आपको जरा दिखा देते हैं किसानों के लिए क्या कुछ सरकार ने किया है। किसानों को डिजिटल सर्विस की बात की गई है। अब हम ग्राफिक्स के जरिए जो बड़ी बातें की गई है किसानों के लिए वो आपको दिखा देते हैं। किसानों को डिजिटल सर्विस, पहली बात। दूसरी, ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर होगा। ये देखिए, पहली बात किसानों को डिजिटल सर्विस, इसके साथ ही ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जो जोर है वो महत्वपूर्ण है। रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा ये कहा जा रहा है।
एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी होगी। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की बात की गई, गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ की एमएसपी की बात है। फसल बुआई के लिए किसान ड्रोन स्पेसिफिकली बुआई को लेकर या फिर इसी के साथ फर्टिलाइजर स्प्रे हो, इन तमाम चीजों के लिए ड्रोन्स के इस्तेमाल पर सरकार ने पहल की है। गंगा कॉरिडोर के लिए ऑर्गेनिक खेती की भी योजना की गई है। तो किसानों के लिए जो था वो हमने आपको बता दिया। अब जल्दी से आइए आपको बताते हैं क्या सस्ता हुआ है क्या महंगा हुआ है, क्योंकि बजट के इस हिस्से पे लोगों का अच्छा खासा ध्यान रहता है कि आने वाले वक्त में कहां पर चीजें सस्ती हो सकती हैं और कहां पर वो चीजें महंगी हो सकती हैं। देखिए सस्ता महंगा